नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है, जिसके चलते बड़ी मुश्किलें अब कर्मचारियों की बढ़ने वाली हैं। क्या खबर रहेगी, पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो हिमाचल के अधिकारियों कर्मचारियों को झटका, सरकार ने स्टडी लीव पर लगाई शर्तें। वित्त विभाग से लेनी होगी मंजूरी, 40% सैलरी मिलेगी। हिमाचल सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों की स्टडी लीव पर शर्तें लगा दी हैं। इसके बाद प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को स्टडी लीव लेना आसान नहीं रह गया है। वित्त सचिव ने एक ऑफिस मेमोरेंडम निकालकर स्पष्ट किया कि स्टडी लीव को विभाग अध्यक्ष या चोरडी अपने स्तर पर मंजूरी नहीं दे पाएंगे। स्टडी लीव की मंजूरी अब वित्त विभाग से लेनी होगी। जाहिर है कि इसके बाद किसी भी अधिकारी व कर्मचारी के लिए स्टडी लीव लेना आसान नहीं रहेगा। अब तक सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972 के तहत विभाग अध्यक्ष द्वारा स्टडी लीव की मंजूरी देने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को बदल दिया है। बता दें, वित्त सचिव के आदेशों के बाद अब स्टडी लीव के दौरान अधिकारी व कर्मचारी को 40% सैलरी मिलेगी। सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 2 साल की स्टडी लीव लेने का अधिकार है। इस दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी सैलरी मिलती है, मगर अब नहीं मिलेगी। बता दें, सरकार के इस फैसले से उन अधिकारियों व कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगा है जो स्टडी लीव पर जाने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि स्टडी लीव पर ज़्यादातर IAS, HAS व Class 1 ऑफिसर देश व विदेश जाते रहते हैं। इस दौरान उन्हें पूरी सैलरी मिलती थी। तो ये रही बड़ी खबर कि हिमाचल सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों की स्टडी लीव पर शर्तें लगा दी हैं। तो प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों को स्टडी लीव लेना अब आसान नहीं रह गया है। तो 40% इनकी अब सैलरी भी कटेगी। तो ये रही बड़ी खबर। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।